शामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का एच के ए न्यूज़ में खैर मकदम है। गेस्ट लेक्चरर की तनख्वाहों को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का किया गया मुतालबा। वाज़ेह है कि गेस्ट लेक्चरर जो कि हर साल ही तब्दील किए जा रहे हैं, उसको तब्दील ना किया जाए, क्योंकि ये तमाम एक्सपीरियंस होते हैं और नए आने वाले इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर हर साल ये चले जाते हैं। पीओ लेक्चरर्स यूनियन के स्टेट सेक्रेटरी नरसिंह रेड्डी गाडलेगांव ने एक मीटिंग का अहतमाम करते हुए मांग की है। इस मौके पर अशोक रेड्डी, अश्विन शंकर बसवराज DIR और शकुंतला लता कांते और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की बसवा कल्याण से एच के ए न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो हैदराबाद कर्नाटक के अंतर्गत जो पीयू कॉलेजेस आते हैं, उन पीयू कॉलेजेस में जो गेस्ट लेक्चर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको महीना 12,000 रुपये दिया जा रहा है। हमारी एक मांग है कि उनको मिनिमम डेली 500 रुपये के हिसाब से महीना 15,000 रुपये दिया जाए। और आपने कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से 3,200 टीचरों को नियुक्ति यानी गेस्ट टीचर नियुक्ति लेने के जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं आपसे विनंती करता हूं, जिस तरह आप गेस्ट टीचर ले रहे, उसी तरह पीयू कॉलेजों में जो पोस्ट वैकेंट है वो पोस्ट भी वैकेंट फिलअप करें, गेस्ट लेक्चर का पोस्ट फिलअप करें। और गेस्ट लेक्चर को जो 12,000 रुपये दिया जा रहा है, उनको बढ़ाकर 15,000 रुपये दिया जाए। और जो गेस्ट लेक्चर रूप में काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उनको ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक साल गेस्ट लेक्चर लेते हैं, दूसरे साल फिर से पोस्ट कॉल करते हैं, जिसका मेरिट आता है उनको लिया जाता है, इनको हटाया जाता है, तो ये एक प्रकार का अन्याय हो रहा है। जो गेस्ट लेक्चर बोल के जो जिस कॉलेज में वो करते हैं, कंटिन्यूसली उनको ही गेस्ट लेक्चर, नेक्स्ट ईयर भी गेस्ट लेक्चर उनको ही कंटिन्यू करना, हर साल पोस्ट कॉल करना, हर साल उनको निकालना, ये गलत बात है। उनको जून से लेकर मार्च तक लेना चाहिए, बाद में ब्रेक कर और फिर से जून उनको ही लेना चाहिए। नया क्वालिफाई करेंगे तो नए लोग आएंगे जिनका एक्सपीरियंस नहीं रहता, एक्सपीरियंस जिनका होता है उनको हटाया जाता है, जो बिना एक्सपीरियंस के आते हैं, तो इससे रिजल्ट पर इफेक्ट हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो ऑलरेडी जो गेस्ट टीचर बोल के काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको ही कंटिन्यू किया जाए और महीना उनको 15,000 रुपये गेस्ट हॉनरेरी रूप में उनको सैलरी दिया जाए, मेरा एक रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सर।